दोस्तों शिव ठाकरे के गेम को बिग बॉस 16 में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जिस तरह से डाउन टू अर्थ है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, जहां पर बोलना चाहिए बोलते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करने का उनका तरीका है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। वहीं उनकी जो मंडली है वो भी उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और मंडली के जितने भी सदस्य है वो वाकई एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। वही दोस्तों शिव ठाकरे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी मंडली से बताया था और किस तरह से शिव ठाकरे उन्हें मिस कर रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड वीना जगताप थी जो कि बिग बॉस मराठी में उन्हें मिली और दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया लेकिन किन्हीं वजह से दोनों अलग हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी शिव अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करते हैं और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी उनके लिए पोस्ट शेयर किया और उन्हें इनकरेज किया ताकि वो आगे बढ़े। वही दोस्तों शिव ठाकरे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी गुदवाया था, यानी कि टैटू बनवाया था और फैंस को ये बड़ा पसंद आया। दोस्तों फैंस जानते हैं कि शिव किस तरह से बहुत ज्यादा फिटनेस को लेकर सजग है और फिटनेस फ्रीक जो होते हैं वो टैटू नहीं बनवाते, लेकिन फिर भी अपने प्यार के लिए वो टैटू उन्होंने बनाया जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। और अब शिव ठाकरे की मॉम ने रिएक्ट किया है जब उनसे पूछा गया कि शिव ठाकरे ने टैटू बनवाया था, इस पर आपका क्या कहना है। तो शिव ठाकरे की माँ का कहना है कि शिव बहुत ज़्यादा मैच्योर है और ये उनका लुकआउट है, वो जो भी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से और शिव पर उन्हें पूरा भरोसा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या घर के अंदर आपको लगता है कोई शिव की पार्टनर बन सकती है, तो इस पर शिव की मॉम ने कहा कि मुझे नहीं लगता मेरे बेटे को वहाँ पर कोई केपेबल लग रहा है, इतना पोटेंशियल लग रहा है, इसीलिए वो नहीं बनाएगी पार्टनर। दोस्तों क्या कुछ कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।